हेलो 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 एवरीवन, नमस्कार नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप मेरी आवाज़ ठीक आ रही है। आज हम हॉस्पिटल आ चुके हैं, क्षमा करिए, 2-4 मिनट हम हो गए हैं लेट, लेकिन जैसे हमने कहा, हम सर 10-10 को आएंगे, 10-10 को हम आ चुके हैं लाइव और आपके साथ। आज हम बहुत सारा ट्रैवल करके आए हैं, इसलिए हालत हमारी थोड़ी बिगड़ी हुई है बट कोई बात नहीं भाई, जब लाइव करना है तो करना है ना। हेलो, सलाम मोहम्मद इश्तियाक जी। सो प्लीज़ टेल मी, साउंड सही है? क्योंकि आज मेरे पास चेकिंग के लिए लैपटॉप नहीं है। ऑल राइट, लेट्स सी। पहला सवाल ले लेते हैं, किन के सवाल हैं? अंकुर जी का सवाल है, अंकुर सिंह। इस सोडियम बेंजोएट इन चवन प्रकाश कॉजिंग कैंसर बिकॉज वाइटामिन सी एंड सोडियम बेंजोएट्स कॉज कैंसर, प्लीज़ गिव सम एक्सपर्ट एडवाइस ऑन दैट। मिस्टर अंकुर, वाइटामिन सी एंड सोडियम बेंजोएट कॉज कैंसर, जिसने भी आपको ये इंफॉर्मेशन दी है वाइटामिन सी के बारे में, वो गलत दी है। और सोडियम बेंजोएट है कि नहीं चवन प्राश में? चवन प्राश के बारे में मैंने इतनी रिसर्च नहीं करी है, च्यवनप्राश के बारे में हमें भी देखना पड़ेगा कि वो उसके अंदर क्या है क्या नहीं है, और क्या वो कैंसर कॉज करता है या नहीं। मुझे नहीं लगता उसके ऊपर इस तरह की कोई रिसर्च हुई है, हुई भी है तो मैंने नहीं देखी, देखना पड़ेगा। आपसे मैं कहूँगा कि आप पबमेड PUBMED pubmed.com पे जाइए और यही चीज़ जो आप हमसे कह रहे हैं इसको टाइप करके देखिए, क्या इस पर कोई रिसर्च है। और मुझे नहीं लगता उस पर कोई रिसर्च मिलेगी, अगर आप पढ़े लिखे हैं तो आप आराम से रिसर्च को थोड़ा बहुत इंटरप्रिटेट कर पाएंगे, ठीक है। विटामिन सी से तो मैं गारंटी लेता हूँ कैंसर नहीं होता, बल्कि कैंसर से बचाती है, ओके, ये याद रखिए। हाउ टू रिड्यूस क्रिएटिन लेवल्स इन योर बॉडी नेचुरली, एज 26, क्रिएटिन 1.6, जस्ट हैड अ किडनी ट्रांसप्लांट ऑपरेशन दिस मंथ, ऊ, एवरेज BP इज 110/75। भाई देखो, ऐसा है, अगर आपके घर में पानी भर रहा है और आप हमसे कहोगे कि सर पानी पानी को रिड्यूस करना है, पानी निकालना है, तो जहाँ से आपका पानी निकालने का रास्ता है उसको चेक, उसी को ठीक ठाक रखना पड़ेगा। सेम हियर, आपकी किडनी है जिनको आपने ट्रांसप्लांट कराया है, अगर आपकी किडनी सही से काम कर रही है तो आपका क्रिएटिन अपने आप ठीक होगा। सो अगर आप चाह रहे हो कि क्रिएटिन ठीक हो, तो किडनी वाले डॉक्टर से बात करें कि क्या मेरी किडनी प्रॉपर काम कर रही है, 100% काम कर रही है, 90% काम कर रही है, मतलब ऐसा परसेंटेज तो नहीं पता चलती, लेकिन अगर किडनी काम कर रही है तो क्रिएटिनिन अपने आप धीरे धीरे ठीक हो जाएगा, ठीक है। उसके लिए कोई अलग से दवा की ज़रूरत नहीं होती है, अलग से चीज़ नहीं होती है, जो भी चीज़ होती है क्रिएटिनिन, क्रिएटिन प्रॉब्लम नहीं है, क्रिएटिन एक तरीका है ये जानने का कि किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है। ये बात समझो दिमाग में, ऐसा नहीं है कि मेरा क्रिएटिन 6 हो जाएगा, 7 हो जाएगा, 8 हो जाएगा तो क्रिएटिन की वजह से मैं मर जाऊंगा, ऐसा नहीं है। क्रिएटिन जब ज़्यादा होता है तो उससे पता चलता है कि किडनी काम ही नहीं कर रही, समझ रहे हो? किडनी ने क्रिएटिन नहीं निकाला, एक वो चीज़ है। जब किडनी काम नहीं कर रही तो आपको डायलिसिस करना पड़ सकता है, 6, 7, 8, 9, 10, उस लेवल पे, समझ रहे हो? 6, 7, 8 के बाद सोचा जाता है कि क्या एक्चुअल ज़रूरत है कि नहीं है। 1.6 पे तो कतई ही नहीं। अब ट्रांसप्लांट कराया आपने, कोई तो रीज़न होगा, ट्रांसप्लांट कराया है तो अब ये ट्रांसप्लांटेड किडनी काम कर रही है कि नहीं कर रही है, इस पे डिपेंड करेगा आपका क्रिएटिन कम होगा कि नहीं होगा। तो कृपया कॉन्सेप्ट को समझिए, ठीक है। हाँ जी, तो एक पेड सवाल भी आया है, आज के पेड सवाल आप सारे डाल दीजिए, पहले 10 सवालों के जवाब के बाद मैं पेड सवालों पर आऊँगा, ओके। दो सवाल हो चुके हैं, थर्ड पे हम जा रहे हैं। राइट, सनी कुमार, न्यूरोकाइंड एलसी का वर्क। देखो, न्यूरोकाइंड एलसी में मल्टी विटामिन, जैसे मान लीजिए उसमें एक तो बी कॉम्प्लेक्स वाइटामिन है, एक फॉलिक एसिड है और एक लियोकार्निटिन है। अब देखिए क्या करती है ये तीनों चीज़ें आपको एनर्जी प्रोवाइड करती हैं। फॉलिक एसिड आपका हीमोग्लोबिन बनने में हेल्प करता है, हीमोग्लोबिन बेहतर न्यूरल ट्यूब्स और नसों के लिए बेहतर है। B12 आपकी नसों के लिए बहुत ज़रूरी है, B12 डेफिशेंसीज पे भी एक वीडियो आएगा हमारा जल्दी। लेकिन ये चीज़ की कमी हो तो आपको वीकनेस से लेके साइकोसोमैटिक सिम्टम्स बहुत सारी हो सकती है, B12 और फॉलिक एसिड दोनों के वजह से। और लियोकार्निटिन जो है ये आपके सेल लेवल पे, उस सेल के अंदर जो थोड़ी सी एनर्जी लेवल्स है वो बढ़ाता है,
ठीक है। सो कुछ दिनों के लिए ये चीज़ आपको एनर्जी प्रोवाइड करेगी, बेहतर है, और अगर B12 की कमी है तो बहुत अच्छी बात है, ये खाना चाहिए। मोहम्मद इश्तियाक जी सलाम वालेकुम, वालेकुम अस्सलाम, ऐसे बोलते ना। सद्दाम हुसैन, प्रिवेंट साइड इफेक्ट्स ऑफ फिनास्ट्राइड। अच्छा, सी फिनास्ट्राइड इज अ हार्मोनल ड्रग, इट्स अ दवाई जिससे कि आपके हॉर्मोन्स का एक्शन काउंटर किया जा रहा है, राइट, DHT ब्लॉकर, राइट। फिनास्ट्राइड को के साइड इफेक्ट को प्रिवेंट करने के लिए आपको फिनास्ट्राइड को बंद करना पड़ेगा नेचुरल वेज में जाके। सो आपको ये देखना है कि आपने फिनास्ट्राइड क्यों शुरू करी और क्या उस प्रॉब्लम को किस तरीके से लाइफस्टाइल चेंजेस करके हैंडल किया जा सकता है, ठीक है। उस तरीके से उसको हैंडल करो, फिनास्ट्राइड बंद करो, फिनास्ट्राइड के साइड इफेक्ट खत्म, ठीक है ना। या फिर फिनास्ट्राइड के साइड इफेक्ट को टैकल करने के लिए और दवाई खाओ, दवाई के लिए दवाई, दवाई के लिए दवाई, पूरा सर्कल। समझ रहे हैं बात को? अरे अच्छा, हाँ सर, कहाँ हूँ आजकल, लाइव नहीं आते, वेट नहीं बढ़ रहा, कुछ भी खाता हूँ हमजा नहीं होता, घबराहट रहती है, सनसनी, आयुर्वेद। अच्छा, सन्यासी आयुर्वेद से वेट गेन टैबलेट ली, क्या इसे लेना सही है? 15 डेज वेट गेन होता है, इसे लेना बिल्कुल सही नहीं है, पहली बात। और मैं कहाँ था, मैं ज़रा फैमिली फंक्शन अटेंड कर रहा था, हमारे साले साहब की शादी थी, तो हम उत्तराखंड से चंडीगढ़, चंडीगढ़ से उत्तराखंड, फिर दिल्ली, फिर चंडीगढ़, फिर उत्तराखंड, ऐसे चक्कर मार रहे थे। आज भी हमने कुछ 6 से 8 घंटे की ड्राइव करी है, फिर हॉस्पिटल आए हैं, अब जाके मैं वापस आया हूँ दिल्ली, ठीक है। तो अब लाइव आएंगे आपके साथ रोज़ाना, ठीक है। जहाँ तक ये है दूसरे किसी की गोली वेट लॉस या वेट गेन की, मैं कतई रेकमेंड नहीं करूँगा, और मैं बल्कि बोलूँगा कि आप ना खाएं तो बेहतर है। बाकी आपकी लाइफ है, आपकी मर्ज़ी है, उससे क्या हो जाएगा क्या नहीं हो जाएगा या आप खुद एक्सपीरियंस करके हमें बताइएगा। और क्या, आई फ्लोटर प्रॉब्लम, आई फ्लोटर का प्रॉब्लम है। देखिए आई फ्लोटर क्या होता है, इसके ऊपर एक अलग से वीडियो बनेगा, लेकिन ये बात याद रखिए, आई फ्लोटर के लिए कोई ट्रीटमेंट की आवश्यकता नहीं है, ये नॉर्मल चीज़ें होती हैं। आपकी आँख के अंदर एक तरीके से कभी कभी हमको एक चीज़ दिखने लगती है जो हम फॉलो करते हैं, कुछ दिखने लगता है विजन में और वो गायब हो जाता है, फिर दिखता है, फिर गायब हो जाता है, फिर दिखता है, फिर गायब हो जाता है। दिस इज़ अ नॉर्मल फिनोमिना, और बहुत अच्छा टॉपिक है, इस पर एक वीडियो बननी चाहिए, कतई बिल्कुल शुभम जी इस पर बनाई जाएगी वीडियो, ठीक है, और आपको समझाया जाएगा। फिलहाल समझ लीजिए कि इससे कोई बीमारी नहीं होती है, कोई बड़ी चीज़ नहीं है, ठीक है। वेट लॉस रीज़न, अच्छा वेट लॉस के रीज़न, वज़न कम हो रहा है तो इसके तो बहुत रीज़न हो सकते हैं, हो सकता है कि आपके अंदर कोई भी बीमारी हो, A to Z, कोई भी क्रोनिक बीमारी हो जो थोड़ी लंबी चले, वो वज़न कम करती है, ठीक है। मतलब ज़्यादातर बीमारियाँ, अब कुछ बीमारियाँ होती हैं जिसमें वज़न बढ़ जाता है, पानी भर जाता है शरीर में, तो वो एक अलग चीज़ है, ठीक है। स्टीरॉइड्स की दवा लेने से वज़न बढ़ सकता है या दूसरी चीज़ें करने से, लेकिन बीमारी कायदे से जो होती है, बॉडी के अंदर एनर्जी यूज़ करती है और वज़न बढ़ता है, चाहे वो कैंसर हो, चाहे इन्फेक्शन हो, चाहे ट्यूमर हो, क्या बात है वैसे तो, बाकी चाहे ट्यूबरकुलोसिस TB हो, चाहे टाइफॉइड हो, चाहे एक सिंपल सा मलेरिया हो, बुखार हो, चाहे डेंगी हो, चाहे जॉन्डिस हो, तो वेट लॉस का क्या रीज़न बताएं आपको। आप अपनी तरफ से अपने आप को चेक करवाइए, हेल्थ चेकअप कराइए, या हमें भेजिए, हम चेक करेंगे, है कि नहीं, फिर हम बताएंगे कि आपके केस में वेट लॉस क्यों हो रहा है। सनी जी, एक बंदे का एक ही सवाल और दो दो सवाल नहीं होंगे, गलत बात। 1, 2, 3, 4, 5 6, 7 हो गए हैं। भूपिंदर सिंह, आई गॉट यूरिन आफ्टर ड्रिंक ग्लास ऑफ वाटर इन 5 मिनट्स। इससे कोई दिक्कत नहीं है, कई बार क्या होता है कि वो ही यूरिन पानी पी के वहाँ से एकदम पेशाब की नली तक नहीं पहुँचेगा, पेशाब यानी वही पानी, ये भूल जाओ, इतना फास्ट सिस्टम नहीं है आपकी बॉडी का कि आप पियो और वो ऐसा नहीं होता है। सो ये ज़रूर है कि पानी पी लेने से आपके इंट्रा एब्डोमिनल प्रेशर, देखो पानी पी रहे हो, सोचो क्या हो रहा है,
आपने पानी अभी भी पिया, कल भी पिया था, वो पानी पेट में गया, पूरे 3 मीटर छः मीटर लंबे इंटेस्टाइन से, छोटे इंटेस्टाइन से होते हुए लार्ज इंटेस्टाइन में पहुंचा, फिर एब्जॉर्ब हुआ, खून में गया, पहले लिवर में गया, लिवर के फिर पूरे हार्ट में गया, फिर किडनी में गया, अब जाके किडनी ने उसमें फिर पेशाब बनाया, पेशाब नली में जाके पेशाब की थैली में जाके जमा हुआ, अब वहाँ बैठा है, बैठा है ना। ऐसा तो नहीं कि बूंद आएगी तो आपको यूरिन आएगा, भाई एक बूंद आगे निकालो जाके, बूंद बूंद टपकाते जाओ, नहीं, पहले इकट्ठा होगा, वो भरेगा, पेशाब की थैली भरती है एक लेवल के बाद, उसमें स्ट्रेच आता है, तब आपको यूरिन का सेंसेशन आता है, भाई हाँ मुझे जाना है। सो अब ये स्ट्रेच एक तरीके से पेशाब ज़्यादा आने से आ सकता है, या ये स्ट्रेच आ सकता है अगर बाहर से पेशाब की थैली को कोई दबा रहा है। कौन दबाएगा? हो सकता है आपके पेट जब भरता है तो पेट के अंदर जगह या प्रेशर बढ़ जाता है, जिसके वजह से पेशाब की थैली पे एक्सटर्नल प्रेशर आ जाता है, और इसलिए पानी पीने के बाद आपको पेशाब का सेंसेशन हो जाता है। कंप्लीटली नॉर्मल, कोई बीमारी नहीं है। आप ज़्यादा से ज़्यादा एक अल्ट्रासाउंड करा के देख सकते हो कि पेट के अंदर कोई बड़ी सी चीज़ तो नहीं है, कोई एबनॉर्मल चीज़ तो नहीं है, समझ रहे हो? सुरजीत कुमार, सर आई फील वीकनेस एंड डिजीनेस अगेन। इस पे मेरा डिटेल वीडियो है, बहुत अच्छे से हमने समझाया है कि वीकनेस के क्या क्या कारण हैं। डिजीनेस वीकनेस के वजह से हो सकती है, और डिजीनेस अपने आप में एक अलग सिम्टम है जिसके अलग से कारण हो सकते हैं, उसके लिए फिर अलग से वीडियो बनाएंगे। बाकी आपको अपना हेल्थ चेकअप कराना पड़ेगा कि आपके अंदर क्या कमी है, क्या प्रॉब्लम है, डिहाइड्रेशन है, विटामिन की कमी है, हीमोग्लोबिन की कमी, थायराइड की कमी, बहुत सारे प्रॉब्लम है ना। सो कारण नहीं पकड़ोगे तो कुछ नहीं हो सकता। आधे से ज़्यादा लोगों को कारण पता होता है, क्वाइट फ्रैंकली आधे से ज़्यादा लोगों को कारण भी पता होता है, तरीका भी पता होता है, लाइफस्टाइल चेंज भी पता होता है, पर वो करते नहीं है, ठीक है। सो आप कृपया एक बार डिजीनेस वीकनेस वीकनेस वाला वीडियो देखो। हाइपर एसिडिटी पे भी फुल डिटेल वीडियो है मिस्टर रंजीश। आप गैस्ट्राइटिस या गैस बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करो, वीकनेस बाय डॉक्टर एजुकेशन यूट्यूब पे टाइप करो, आपको हमारा वीडियो मिल जाएगा, और उसमें जो तरीके बताए हैं उसको फॉलो करने से आपकी एसिडिटी बंद हो जाएगी। ऐसी कोई गोली नहीं है, ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सब में काम करेगी, या मैं बता दूँ एक काम करो, एक चम्मच ये लेके उसको रात भर भिगो के रखो, और फिर उसके बाद उसको मसलना है बाएँ हाथ की चिच्ची उंगली से, और फिर मसल के उसको तीसरे दांत के नीचे दबाना है, जब तक वो दबा के रात को 1 बजे दबा के सो जाना, फिर ही तो वो ठीक होगा, नहीं तो नहीं ठीक होगा। ऐसे टोटके काम नहीं करते दुनिया के, ठीक है। सो कॉन्सेप्ट समझोगे तो काम होगा, ठीक है ना। बाकी टोटके बहुत दिए हुए हैं दुनिया में, जाके देख लो वीडियो, ट्राई करो, फिर बाद में आप अपने आप असली जगह आओगे। जय श्री राम। जय श्री राम जी। सर बियर्ड ऑयल कि कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं जी? ऐसा खास साइड इफ़ेक्ट नहीं है। एक साइड इफ़ेक्ट हो सकता है कि आपको एक्ने आ जाए अगर आप बियर्ड पे ज़्यादा ऑयल लगाते हो, सो दैट ऑयल विल कॉज अ लिटल एक्ने। उस ऑयल में क्या है उस पे डिपेंड करेगा, उससे आपको एलर्जिक रिएक्शंस हो सकते हैं, वरना नहीं होगा। बियर्ड में नॉर्मली बियर्ड की जो स्किन है उसको ऑयल की ज़रूरत नहीं होती है। द हेयर नीड्स अ लिटिल ऑयल, उसको इंटरमिटेंटली आप ऑयल लगा सकते हो, डेली की भी ज़रूरत नहीं होती है, राइट। आज थोड़ी सी मेरी दाढ़ी खुल सी गई, कोई नहीं, बढ़िया। क्या नेल्स रब करने से हेयर फॉल रुकता है? वो क्या बोलते उसको, बालायम, बालायम। इसका कोई लॉजिक नहीं है वैसे, क्वाइट फ्रैंकली साइंस इसके पीछे रिसर्च है क्या ये मुझे नहीं पता, और कायदे से मैं खुद इस पे बिलीव नहीं करता। ये करते रहने से अच्छा है कि जो मैंने हेयर फॉल रोकने के 25 चीज़ें बताई हैं हेयर फॉल होने वाली और हेयर फॉल बढ़ाने वाली, उन चीज़ों को मैं फॉलो करूँगा, ठीक है। ये करते रहने से कोई फ़ायदा नहीं, मेरा तो नहीं है, मेरे पास ना इतना टाइम है, उससे जगह मैं वो कम करूँ जो मेरे हेल्थ के लिए अच्छा। बाकी इस पे कोई ख़ास रिसर्च नहीं हुआ है कि इसमें कोई प्रूफ दे सकें कि हाँ ये काम करता है या नहीं। कुछ लोग कहेंगे हाँ, कुछ लोग कहेंगे ना। अब वो क्या होता है कि उनके बैकग्राउंड में इफ़ेक्ट कि भाई हाँ उस समय वो, क्योंकि वो बालों को बढ़ाना चाह रहे हैं तो साइकोलॉजिकली जब ये करते हैं तो वो उस समय वो भी ये नहीं करेंगे ना कि बाल भी खींच खींच के तोड़ो और उसकी ऐसी तैसी भी करो, तो उस समय वो थोड़ा ज़्यादा ख्याल रखते हैं बाल का, तो अपने आप वो टूटने कम हो जाते हैं और अपने आप साइकोलॉजिकली बढ़ जाता है। देर आर वेरी मच वेरिएबल्स, बट अंडरस्टैंड ऐसा कोई साइंस नहीं है कि हाँ बाल रब करो, ये रब करो और बाल बढ़ जाएंगे। ये कारीज कोई साइंस नहीं।
एनी परमानेंट सोल्यूशन फॉर हाई बी पी? एब्सोल्यूटली, आई हैव ऑलरेडी एक्सप्लेन इट इन वेरी मच डिटेल मिस्टर मनी ट्रिक्स. आपका बी पी धीरे 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 कम करके, नेचुरल वेज फॉलो करके, लाइफ स्टाइल चेंज करके बी पी की दवाएँ हम बंद कर सकते हैं. अब ये हर एक में अलग अलग समय लगेगा, किसी में हो सकता है एक महीने में हो जाए, किसी में हो सकता है सालों लगे. आपकी बॉडी, आपकी लाइफ स्टाइल, आपके खुद के जज्बे, उस पर जरूरत पड़ेगा. इसका बेसिक समझने के लिए ब्लड प्रेशर की पूरी सीरीज़ देखिए, ब्लड प्रेशर बाय डॉक्टर एजुकेशन. एक चीज़ अगर मैं कहूँ कि सर एक चीज़ बता दो जिससे कि बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ेगा आपकी दवा पे, आपके बीपी पे, तो वो एक चीज़ है वेजिटेबल्स. राइट, सॉरी, ओके. एंड द सेकेंड बिग थिंग इज प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर स्लीप, प्रॉपर वाटर एंड लिटिल लेस अमाउंट ऑफ सॉल्ट. चलो मैं अभी सुपर चैट देखता हूँ, हो गए हैं 10 सवाल. सुपर चैट के सवालों के जवाब देते हैं फटाफट. ऑल राइट, मरियम खान जी, ओके. मोहित सिसोदिया जी, कार्निटीन फॉर वेट लॉस, विटामिन सी रेगुलर, ओके. लाइक मैन सेड, एल कार्निटीन, लियो कार्निटीन, ये आपके सेल लेवल पे उसकी एनर्जी प्रोडक्शन बढ़ा देगा, तो उससे आपको एक्टिव रहने में मदद मिलेगी. लेकिन एक्टिव आदमी अपनी एनर्जी यूज़ करेगा, सीढ़ियाँ चढ़ेगा कि लिफ्ट लेगा, ये आपका दिमाग डिसाइड करेगा, आप डिसाइड करोगे. और वो एक्टिव आदमी वही एक्टिव चीज़ को ज़्यादा खाना खाने में भी इस्तेमाल कर सकता है उस एनर्जी को, और कम खाना खा के वज़न कम करने में भी इस्तेमाल कर सकता है. सो लिवो कार्निटिन वज़न कम नहीं करेगा, वो सिर्फ आपको थोड़ी सी एनर्जी ज़्यादा देगा. उस एनर्जी का आपको क्या करना है वो आपके हाथ में, समझ रहे हैं बात को? तो ऐसा है उसका. तो लिवो कार्निटिन इज़ नॉट वेट लॉस थिंग, इट विल नॉट कॉज वेट लॉस, इट विल नॉट लूज यूज योर फैट कि भाई चलो फैट यूज़ करो, फैट यूज़ करो, फैट एनर्जी बनाओ. नहीं, वो आपकी बॉडी में जो एनर्जी ग्लूकोज से बनती है, जो खाने के लिए यूज, वो सब की जरा सी स्पीड, थोड़ी सी एफिशिएंसी बढ़ा देगा. दैट डज नॉट मीन यू विल लूज वेट. प्रताप राज जी शुक्रिया, मरियम खान जी शुक्रिया, रोहित गोयल जी को भी शुक्रिया. कैन आई टेक फिनोफेक्सिडीन 180 mg फॉर कोलिनर्जिक अर्टिकेरिया? येस, यू कैन टेक फिनोफेक्सिडीन 180 mg फॉर अर्टिकेरिया. नाउ रिमेंबर, अर्टिकेरिया इज़ एन एलर्जिक रिएक्शन, एंड एलर्जिक रिएक्शन का कारण पता करना ट्रीटमेंट से भी ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि अगर वहाँ पे इरिटेंट मौजूद है और आप फिनोफेक्सिडीन दो, स्टीरोइड दो, कुछ भी दो, तो प्रॉब्लम विल नॉट गेट सॉल्व्ड परमानेंटली. यू कैन कंटेन द प्रॉब्लम. जैसे आग कहीं लगी है तो सिर्फ एक तरफ से पानी डालने की जगह जहाँ मेन सोर्स है उसको भी तो ढूंढना पड़ेगा ना, वो भी ज़रूरी है. सो दैट इज़ इम्पॉर्टेंट. जैसे धुआं धुआं है तो सिर्फ धुआं निकालने से नहीं, आग भी बुझानी पड़ेगी, सेम थिंग. सो एलर्जी किस चीज़ से है उस चीज़ को भी यूज़ करना बंद करिए, चाहे वो एक क्रीम है, चाहे वो एक ऑइंटमेंट है, चाहे वो एक्चुअल आपको इचिंग होती है, चाहे आपकी सेंसिटिव स्किन है, टॉपिक डर्मेटाइटिस है, राइट, वट एवर इट इज़, राइट, यू हैव टू फाइंड आउट द रीज़न एंड देन एक्ट अबाउट इट, जो भी एक्शन उसके लिए है, ठीक है. एंड यू कैन टेक फिनोफेक्सिडीन जब तक अर्टिकेरिया सेटल नहीं होता. कई बार सिर्फ फिनोफेक्सिडीन से काम हो जाएगा, कई बार उसके साथ में लोकल स्टीरॉयड क्रीम लेनी पड़ जाएगी, कई बार और भी मेडिसिंस आती हैं, हाइड्रोक्सीजीन एट्रैक्स आती है, और एंटी एलर्जिक्स बहुत सारी आती है, कई बार दूसरी एविल नाम की चीज़, तो बहुत सारी मेडिसिंस हैं. सो इट्स बेस्ट टू वंस गेट इट डायग्नोज प्रॉपरली, एक बार एक डर्मेटोलॉजिस्ट को दिखाओ, उनसे एक कोर्स कर लो, बैठ जाएगा, एंड देन थिंक अबाउट इट व्हाट कॉज्ड इट. आधा आपका भी काम है, राइट, ठीक है रोहित जी. सो दिस इज हाउ वी गो एंड वी हैव कवर्ड ऑल द पेड क्वेश्चंस आल्सो. थैंक यू सो मच गाइस, आज के सवाल जवाब यहीं समाप्त हुए हैं. नमस्कार. एंड एक जवाब हम दे देते हैं, हॉस्टल में रहने वालों को अगर वज़न कम करना है तो हॉस्टल में सलाद ज़रूर मिलता है, चाहे सिर्फ कांदा मिले, यानी नींबू, कांदा नींबू टमाटर, यानी कि क्या नाम है उसका, प्याज, प्याज पे नींबू निचोड़िए, थोड़ा सा नमक डालिए, ज़रा सा या चाट मसाला डालिए, और खाने से पहले जितना हो सके वो खाइए. नंबर वन, आपको खाना कम हो जाएगा, और दूसरा, रोटी कम करिए, दाल बढ़ाइए, सब्जी बढ़ाइए, वेट कम हो जाएगा. ओके,
ठीक, चलो बाय बाय, सी यू टुमारो।